बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी कमर कस ली है। दिल्ली अध्यादेश, यूसीसी और मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर संसद गर्मा सकती है। संसद का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा और 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। इस दौरान कई मुद्दों पर सियासी माहौल गर्म रहने की संभावना है और इसी बीच कांग्रेस की दिल्ली में समान नागरिक संहिता को लेकर बैठक हुई। कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यूसीसी को लेकर कहा कि पार्टी 15 दिन पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है और आज ही हम उस पर कायम हैं। समान नागरिक संहिता पर पार्टी की तरफ से कोई नई स्थिति नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहती है और हम सभी चर्चा चाहते हैं। उम्मीद है कि जब भी कानून आएगा तो हमें अपने मुद्दे उठाने और उस पर अपना रुख स्पष्ट करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग दोहराई है। 20 तारीख से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें पूरा मौका देगी, कांग्रेस पार्टी को, अलग अलग विपक्ष पार्टियों को अपने मुद्दे उठाने के लिए, और जो एजेंडा तय होगा, जो विधेयक पेश किया जाएगा, जब वो विधेयक पेश किए जाएंगे तब उस पर हम विचार कर सकते हैं। पर हम चाहते हैं ये सत्र चले, मजबूती से चले, रचनात्मक तरीके से चले और हमें पूरा मौका मिले इन मुद्दों को उठाने के। 15 तारीख को हमने एक स्टेटमेंट जारी किया था, एक वक्तव्य जारी किया गया था और इस पर चर्चा हुई, और 15 जून से आज तक कोई ऐसी नई स्थिति नहीं पैदा हुई है कि हम इस स्टेटमेंट को और आगे ले चले। यानी कि जो हमने 15 जून को कहा था वो उसी पर हम अडिग हैं, और जो लॉ कमीशन ने विचार अलग अलग संस्थाओं से अपनी राय मांगी है उस पर जो हमने टिप्पणी की थी वो आपको आपके पास है। मैंने खुद हिंदी में और अंग्रेजी में एक बयान दिया था